सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th में ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। यस, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट आया है। और ये अपडेट नई ऑफिशियल सर्कुलर आया है। हालांकि अगर अब तुम आ जाओ अपने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर बस मेन वेबसाइट पे क्लिक कर लो तो तुम्हें ये वाला पोर्टल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट, यानी जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है ना, उस चीज से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आया। और वो अपडेट क्या है, सबसे पहले देखो तुम्हारा रियली जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, हमें पता है कि उसमें वाइवा हो सकता है, इंटरनल असेसमेंट हो सकते हैं, सब 20 मार्क्स का पेपर होता है। और अभी 12th की बात करें तो कुछ पेपर 30 मार्क्स के भी हैं, यानी जो पेपर तुम्हारे 20 और 30 मार्क्स के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके जो वाइवा होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो कब से है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऑफिशियल सर्कुलर में आ चुकी है। ये ऑफिशियल सर्कुलर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं अभी आप लोगों को शो करता हूं। और अगर तुम्हें भी डाउनलोड करना है तो यहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट अपडेट है, मेजर अपडेट है, तो मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखना और सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, पहले तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सर्कुलर कब का है, 10 अक्टूबर 2023 का, यानी बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। और सर्कुलर में देखो ध्यान से लिखा भी हुआ है कि प्रैक्टिकल विंटर बोर्ड 2023 और 24। ये विंटर बोर्ड क्या है, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक छोटी सी चीज है, समझ लो कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जहां पर ठंडियों के मौसम में पूरी की पूरी बर्फ जम जाती है, तो वहां के प्रैक्टिकल्स ना नवंबर में ही हो जाते हैं। यस, वहां इन उस जोन को हम कहते हैं विंटर बोर्ड जोन। ठीक है, तो यहां पर जो प्रिंसिपल और हेडक्वार्टर को सीबीएसई ने ऑफिशियली, सीबीएसई ने क्या किया है, ऑफिशियली यहां पर क्या किया है, अपडेट दिया है। देखो यहां पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहां पर संयम भारद्वाज जी की ऑफिशियल सिग्नेचर भी, वो भी 10 अक्टूबर की ही है। इस पूरे सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी रीड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट फॉर द क्लासेस 10th एंड 12th फॉर विंटर स्कूल फॉर द सेशन 2023-24, यानी 2023-24 में जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, वो विंटर बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एग्जामिनेशन बाय लॉ स्कीम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम, the practical examination ya project keh lo internal assessment keh lo for the session 2023 and 24 as scheduled from 1st january 2024। yes, aapka jo practical exam schedule kiya gaya hai na, wo schedule kiya gaya hai 1st january 2024 se start ho jayega, matlab 1 january se aapka practical exam start ho jayega। ha ye zaruri nahi hai ki ek exam se aapka bhi start ho jaye, स्कूलों को नोटिस दी गई है कि आप 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अब स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी लेते हैं, सेकंड वीक ऑफ जनवरी लेते हैं, ये कब लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इस ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम बात करें, हाउएवर द स्कूल सिचुएटेड इन द विंटर बोर्ड एरिया, वहां पर जो है एक्सपेक्टेड जो है वो मंथ ऑफ जनवरी जो होते हैं वो क्लोज होते हैं स्कूल, क्योंकि विंटर में फ्रोजन एरिया रहता है पूरी तरह से। तो उनके लिए जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है 14 नवंबर। देखो यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है अपडेट में, 14 नवंबर ट्यूजडे से लेकर 2023 से लेकर 14 दिसंबर यानी थर्सडे 2024 तक, मतलब 2023 तक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 14th ऑफ नवंबर से लेकर 14th ऑफ दिसंबर 2023 तक सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएंगे, जो रीजन विंटर जोन रीजन में है। मेक श्योर अपडेट आपको समझ में आ गई होगी क्या है, कि 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, मेजर अपडेट है बच्चों, तो ध्यान से देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम चाहो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मुझे डीएम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मेक श्योर सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डीएम कर सकते हो फ्रीली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मेरा दूसरा चैनल जिसपे मैं स्टडी टिप्स और बुक्स के रिव्यूज डालता हूँ, इनफैल्बर स्टडी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए नई नई चीजें आने वाली हैं, जैसे यहाँ पे ईडू कार्टन एग्जाम आईडिया में कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है, प्लस कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कराए थे उनके लिए है, प्लस यहाँ पर ग्रामर की बेस्ट बुक कौन सी है जो आपको लेनी चाहिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं,
प्लस इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर 15 और 30 बहुत तो कैसे स्टडी करें कि आपके 90% से अब आए, बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे करें, बहुत अच्छा वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इसे भी सब्सक्राइब कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।